بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ये सूरह वद्दुहा है जिसकी तशरीह का सिलसिला गुज़श्ता मजलिस से चल रहा है. काफी दिन हो गए तो मुख्तसरन वो इसको भी पेश करूंगा. दुहा दरअसल चाश्त के वक्त कहते हैं. दिन की जो रोशनी चढ़ती है उस चढ़ती हुई चढ़ते दिन की रोशनी को अरबी में दुहा कहा जाता है. क्योंकि इस सूरत की शुरुआत इसी लफ्ज से हुई है, इसी कलेमे से, इसलिए इसका नाम भी सूरह वद्दुहा रखा गया है. इसके शान नुजूल के सिलसिले में मुख्तलिफ बातें कही गई है, लेकिन बुखारी शरीफ और तिर्मिदी शरीफ में हजरत जुंदुब इब्न अब्दुल्ला बजली रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो रिवायत है उसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा उंगली के अंदर जख्म हुआ, चोट आई. उस चोट की वजह से आपकी उंगली जो है वो जख्मी हो गई और उसी के नतीजे में आप बीमार हुए और उस बीमारी के अंदर आप दो या तीन रातें तहज्जुद के लिए उठ नहीं पाए और साथ ही साथ उन दिनों में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वही लेकर के नाजिल नहीं हुए. ये दोनों चीजें जमा हुई. वैसे बुखारी शरीफ की रिवायत के अंदर तो आपका तहज्जुद में न उठना ये मजकूर है और तिर्मिजी शरीफ की रिवायत के अंदर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाजिल न होना उसका तज़किरा है. हजरात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि गोया एक रिवायत के अंदर एक चीज का तज़किरा हुआ, दूसरी रिवायत में दूसरी चीज का. कभी ऐसा होता है कि रावी के पास दो बातें होती हैं, कभी उस एक को बयान करता है कभी दूसरी चीज को. तो बहरहाल दोनों को हजरात मुफस्सिरीन ने लिया है और ये बतलाया है कि वो इस
उंगली की चोट की वजह से, उसके जख्म की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमार रहे थे और आप दो या तीन रातें तहज्जुद के लिए उठ नहीं पाए। और हजरत जिब्रील भी उन रातों में वही लेकर के तशरीफ नहीं लाए। इब्तिदाए नबूवत में जब आपने ईमान की दावत का सिलसिला शुरू किया तो मक्का के लोग आपके दुश्मन हो गए थे और आपके साथ दुश्मनी का मामला करते थे। उसमें भी आपका चचा अबू लहब और फिर उसकी बीवी उम्मे जमील जो औरा बिनते सखर उसका नाम था, वो तो आपकी गोया बहुत सख्त दुश्मनी थी कर रखती थी आपसे। तो जब ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये चंद रोज वही लेकर के तशरीफ नहीं लाए तो उस पर उस औरत ने ताने देना शुरू कर दिया। बुखारी शरीफ की रिवायत में तो यहां तक अल्फाज हैं कि तुम्हारा शैतान नऊज़ु बिल्लाह उसने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को लफ्ज शैतान से ताबीर किया कि मैं देख रही हूं कि तुम्हारे पास नहीं आया। और ये इस तरह ये कहने लगी कि इनके परवरदिगार ने इनको छोड़ दिया और इनके परवरदिगार इनसे नाराज हो गए। चुनांची यही बया चर्चा पूरे मक्का मुकर्रमा में, और लोग भी चूंकि अक्सर वो थे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अदावत और दुश्मनी थी, बोझ था, इसलिए सब इसी तरह की बातें करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल बहुत दुखा इन बातों की वजह से। उस पर अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ये सूरत नाजिल की गई जिसमें दो चीजों की कसम खाई है अल्लाह ताला ने, एक तो चढ़ते दिन की रोशनी की, वद्दुहा कसम है चढ़ते दिन की रोशनी की, वल्लैल इज़ा सजा और कसम है रात की जबकि उसका अंधेरा छा जाए या करार पकड़ ले, यानी रात चूंकि जब इब्तिदा होती है ना तो अभी उसमें कुछ उजाला होता है, धीरे धीरे उसका अंधेरा अपने कदम जमाता है और फिर एक थोड़े वक्फे के बाद वो वक्त आता है कि पूरी फिजा पर घूप अंधेरा छा जाता है। उसी को ताबीर किया है वल्लैल इज़ा सजा, कसम है रात की जबकि उसका अंधेरा करार पकड़ ले बैठ जाए। ये जो बारी ताला ने कसम खाई, पहले जब सूरह वलअस्र की तशरीह की गई थी उस मौके पर भी बतलाया गया था कि वैसे हमें यानी बंदों को तो अल्लाह ताला के अलावा किसी और की कसम खाने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन अल्लाह ताला कुरान पाक में बहुत सारी चीजों की कसमें खाते हैं। दरअसल कसम का मकसूद जो है कलाम के अंदर कुव्वत पैदा करना होता है। चूंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों को मुखातब किया है तो जब किसी को किसी कलाम के जरिए से मुखातब किया जाता है तो जिसको मुखातब किया जा रहा है उसकी सोच और उसकी जहनियत को सामने रखकर उसके साथ बात की जाती है। जैसे हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों वाला अंदाज इख्तियार करके उसके साथ बात की जाती है। एक आलिम किसी गैर आलिम के साथ जाहिल के साथ बात करेगा तो उसकी वो हैसियत जो है उसको सामने रख करके बात करता है। तो अल्लाह तबारक तआला चूंकि मखलूक से कलाम कर रहे हैं और मखलूक का हाल ये है कि वो अपनी बात के अंदर कुव्वत पैदा करने के लिए कसम को इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह तबारक तआला ने भी कसम को इस्तेमाल फरमाया है। और यहाँ अल्लाह तआला ने मखलूकात की जो कसम खाई है तो जैसा कि पहले बतलाया जा चुका उसके मुतालिक हजरात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिस चीज की कसम खाई गई है गोया इस बात की तरफ इशारा होता है कि इस चीज के अंदर अगर आप गौर करोगे तो आगे जो मजमून
पेश किया जा रहा है उसकी इस चीज के जरिए से ताईद होती है। यहाँ अल्लाह तबरक ताला ने चढ़ते दिन की रोशनी की और इसी तरह रात जब छा जाए तो उसकी तारीकी की कसम खाई है। तो दरअसल ये कायनात के अंदर जो तब्दीलियां पैदा होती है कि कभी तो वो हालत होती है कि दिन की रोशनी और पूरी फिजा जो है वो रोशन और एकदम जो है जगमगा रही होती है, और कभी ये होता है कि जब सूरज डूब जाता है और फिर धीरे धीरे रात जो है अपने कदम जमाती है और रात करार पकड़ लेती है तो ऐसा गुप्त अंधेरा छा जाता है कि कोई चीज नजर नहीं आती। ये दोनों एक दूसरे के जिद हैं। गोया कायनात के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तब्दीलियां हालात बदलते रहते हैं, लोगों के और चीजों के हालात में तब्दीली आती रहती है। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक वक्त वो था कि अल्लाह तबरक ताला ने आपके ऊपर वही नाजिल फरमाई और आपने लोगों को दावत इस्लाम देना शुरू किया, और आज चंद रोज जैसे गुजरे हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी किसी हिकमत और मसलियत के पेश नजर वही के सिलसिले को चंद रोज के लिए मौकूफ कर दिया। तो ये ना समझा जाए कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह तबरक ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया है या जो है आप से अल्लाह ताला नाराज हो गए हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये तो एक इनकलाब दुनिया के अंदर इस तरह कभी दिन की रोशनी जो है जगमगाती है, कभी रात का अंधेरा छा करके फिजा को जो है बिल्कुल मस्तूर कर देता है। तो दिन जिस वक्त दिन की रोशनी होती है तो ये ना समझा जाए कि कभी अंधेरा और तारीकी नहीं आएगी, और रात की तारीकी जब आती है तो ये ना समझा जाए कि कब दोबारा कभी दिन की रोशनी नहीं आएगी। इसी तरह वही का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबरक ताला ने नाजिल फरमाया, शुरू किया और फिर जो है चंद रोज के लिए हिकमत के पेश नजर उसको अल्लाह ने मौकूफ रखा। उसका मतलब नऊज़ु बिल्लाह ये नहीं है कि अल्लाह ताला आपसे नाराज हो गए हैं या अल्लाह ताला ने आपको नऊज़ु बिल्लाह छोड़ दिया है जैसा कि ये लोग कहते हैं। ये अल्लाह आगे जो इसकी ये तर्दीद फरमा रहे हैं उसकी ताईद के लिए इन दो चीजों की अल्लाह ताला ने कसम फरमाई है। मा वद्दअका रब्बुका मा वमा कला, के अल्लाह तुम्हारे परवरदिगार ने न तो तुमको छोड़ा है और न तुमसे वो नाराज हुआ है। अब देखिए ये यहाँ एक बात और ज़हन नशीन होनी चाहिए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद कैफियत थी जिनके अंदर तब्दीली आई। एक तो ये है कि आपके उंगली के जख्मी होने की वजह से आप दो या तीन रातों को तहज्जुद के लिए नहीं उठ पाए, और हजरत जिब्रील जो वही लेकर नाजिल होते थे वो नाजिल नहीं हुए, नहीं आए। तो ये चंद कैफियत हैं जो आपके इख्तियार में नहीं थी, गैर इख्तियारी चीज है। तो इन कैफियतों में की वजह से यहाँ बतलाना ये चाहते हैं कि अल्लाह तबरक ताला किसी के मुतालिक उसके हालात के अंदर जो कैफियत आती हैं उन कैफियत की वजह से कोई फैसला नहीं करते। अल्लाह ताला किसी भी बंदे के मुतालिक जो फैसला फरमाते हैं ना, तो दरअसल ये हम लोग भी जब अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के आकाम की बजावानी में मशगूल होते हैं, तो हमारे ऊपर भी मुख्तलिफ कैफियत तारी रहती हैं। जैसे हम जैसे नमाज पढ़ते हैं तो कभी ऐसा वक्त होता है कि नमाज में खूब जी लगता है, तबीयत में रिक्कत भी पैदा होती है, रोना भी आता है और खूब खुशू और खुजू की कैफियत रहती है। चंद रोज याद रहता है उसके बाद फिर वो कैफियत खत्म हो जाती है और एकदम तबीयत जो है वो नमाज में उसका खुशू खुजू वाली कैफियत बाकी नहीं रहती, न जी लगता है न दिल उधर मुतवज्जे होता है। ये कैफियत तो बदलती रहती है, और ये कैफियत जो है गैर इख्तियारी चीजें, यानी उसके ऊपर इंसान का बस नहीं चलता, हमारे हाथ में नहीं है, ये खुद ब खुद उसमें अंदर उसके अंदर तगैयुर और तब्दीली पैदा होती है। तो अल्लाह तबरक तआला कैफियत की बुनियाद पर किसी इंसान के लिए कोई फैसला नहीं फरमाते। अल्लाह ताला किसी भी इंसान के लिए जो फैसला करते हैं
उसके इख्तियारी आमाल की बुनियाद पर। तो जो आमाल वो करता है, नमाज पढ़ता है, भले जी नहीं लगता, भले खुशबू और खुजू नहीं है, भले रिक्कतारी नहीं होती, भले रोना नहीं आता, लेकिन बहरहाल नमाज को पाबंदी से अदा करता है, उसमें कभी कमी और कोताही नहीं करता, बंदगी के फराइज और गोया जिम्मेदारियों की अदायगी के अंदर, चाहे नमाज में उसका जी नहीं लगता है, दिल उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होता है चाहने के बावजूद, लेकिन ये जी न लगना और दिल का मुतवज्जे न होना ये उसके इख्तियार से बाहर की चीज है। तो ऐसी गैर इख्तियारी उमूर जो हैं उनकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक तआला किसी बंदे के सिलसिले में कोई फैसला नहीं करते, बल्कि फैसला जो करते हैं वो उसके इख्तियारी आमाल जो हैं उसकी बुनियाद पर करते हैं। वो नमाज का एहतमाम करता है या नहीं, वो जो है जिक्र का एहतमाम करता है या नहीं, वो तिलावत का एहतमाम करता है या नहीं, या आमाल बजा लावे, चाहे इन आमाल की बजावरी के दौरान जो है उसके दिल पर रिक्कत की कैफियत तारी न हो, गिरिया की कैफियत तारी न हो, खुशु खुजू न हो, अल्लाह ताला की तरफ ध्यान न लगे, लेकिन बहरहाल अपने वक्त पर वो इन जो है आमाल को बराबर बजा लाता है, इन आमाल की बजावरी में अपनी तरफ से जो है कोई कोताही नहीं कर रहा है। रही कैफियत, तो कैफियत तो एक आनी जानी चीज है और आदमी के का इख्तियार उसके ऊपर नहीं चलता। अल्लाह आदमी की गिरफ्तार जो करते हैं वो तो आदमी की इख्तियारी चीज के ऊपर करते हैं, जो चीज उसके इख्तियार में हो, उसके बस में हो, उसके मुताबिक उसके लिए फैसला किया जाता है। क्योंकि ये कैफियत गैर इख्तियारी है, इसलिए उसकी बुनियाद पर उसके लिए कोई फैसला अल्लाह तआला नहीं फरमाते। इसलिए कि जी का लगना ना लगना ये तो मुख्तलिफ असबाब की वजह से हुआ करता है, कभी खारजी तौर पर ऐसा सबब पेश आता है, अचानक कोई वाकया पेश आ गया, घर में जो है बेटे को हादसा पेश आ गया, एक्सीडेंट हो गया, उसको अस्पताल में दाखिल करना पड़ा, अब उसके इस हादसे की वजह से उसका दिमाग भटका हुआ है, लेकिन नमाज का जब वक्त है तो वो मस्जिद में आता है, अपने वक्त पर नमाज पढ़ता है, लेकिन उस हादसे का असर जाहिर है इंसान की तबीयत पर तो होता ही है, उस हादसे के नतीजे में जहन भटका हुआ होने की वजह से जो तवज्जो, जो खुशू और खुजू, जो रिक्कत, जो ध्यान होना चाहिए वो रहता नहीं है, तो उसमें वो जो है महजूर समझा जाएगा। अल्लाह ताला उसकी बुनियाद पर उसके लिए अल्लाह ताला ये अपने वक्त पर आकर नमाज पढ़ रहा है या नहीं, अपने वक्त पर कुरान की तिलावत कर रहा है या नहीं, अपने वक्त पर जिक्र को अदा कर रहा है या नहीं, ये जिक्र के अंदर जो मुख्तलिफ कैफियतें तारी होती है ये नहीं, इसी तरह दूसरे हालात भी जो इंसान को पेश आते हैं उन हालात के अंदर, ये तो गोया अल्लाह की इबादत के दौरान, अल्लाह की इबादत के अलावा जो उसकी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हालात हैं, मसलन कभी इंसान के ऊपर खुशी होती है, कभी उसकी तबीयत के ऊपर गम तारी होता है, कभी जो है वो उसको मालदारी होती है, कभी गुर्बत का ऐसे वास्ता पड़ता है, तो ये मुख्तलिफ जो हालात आते हैं उसकी वजह से उसकी तबीयत के अंदर भी जो है कैफियतें बदलती रहती हैं। मसलन कभी तंदुरुस्ती है, तंदुरुस्ती की वजह से उसकी तबीयत जो है मुनशरह है, तो उसको जरा सुकून भी है, इत्मीनान भी है और इत्मीनान की कैफियत है, लेकिन कभी जो है बीमारी आ गई, बीमारी की वजह से तंदुरुस्ती के जमाने में जो इंशिरा और सुकून की कैफियत थी वो बाकी नहीं रही, लेकिन ये उसके इख्तियार की चीज नहीं है, हालात बदलते। घर में कभी जो होता है मियां बीवी का ये ताल्लुकात कभी बराबर ठीक ठाक चल रहे होते हैं, दोनों खुशो खुर्रम हैं और जिंदगी जो है बड़ी ऐश के साथ गुजर रही है, लेकिन अचानक कोई मामला पेश आ जाता है जिसकी वजह से दोनों की तबीयतों के ऊपर असर पड़ता है, और उसके नतीजे में पहले वाली जो तबीयत के अंदर जो इंशिरा था कि खुशी थी, मसरत थी, वो बाकी नहीं रही, लेकिन उसमें उसके इख्तियार को दखल नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह हालात और कैफियत के बदलने की वजह से आदमी ये ना समझे कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे छोड़ दिया,
अल्लाह ताला जो है मुझसे नाराज हो गए, माँ वद्दा का रब्बू का वमा कला, तुम्हारे रब ने तुम्हें न तो छोड़ा है न अल्लाह तुमसे नाराज हुए। ये जो बीमारी की वजह से तबियत पर एक जो है तंगी सी पैदा हुई है, या जो है गुर्बत की वजह से, माल न होने की वजह से, या दूसरे हालात ऐसे पेश आए उसकी वजह से ये जो तबियत, बाल लोग क्या समझते हैं, इस तरह के हालात पेश आते हैं तो उसको अल्लाह ताला के साथ जोड़ देते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। ये तो हमें पेश आने वाली मुख्तलिफ हालात के नतीजे में ये कैफियत बदली, इससे ये समझना नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो गया, अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया, ये दुरुस्त नहीं। हाँ, हमें अपना जायजा लेते रहना चाहिए इन हालात की तब्दीली के जमाने में भी, कि क्या इस हालात और कैफियत की तब्दीली के अंदर हमारे किसी कोताही को या हमारे किसी जुर्म को दखल तो नहीं। अगर ऐसा है तो हमें अपने उस जुर्म को छोड़कर तौबा और इस्तिग़फ़ार के जरिए से अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अपने हालात को दुरुस्त कर लेना चाहिए, और अपने हालात को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ठीक कर लेने के बाद और अल्लाह की तरफ से जो जिम्मेदारियां, जो फराइज आइज किए गए हैं उनको अदा करने के बाद फिर मुतमईन हूँ। हाँ, एक आदमी जो है ये सब हालात हैं और उसके बावजूद वो गुनाहों में जो है मुलव्वस है, गुनाह हर वक्त ऐसा कि उसको अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की खुशनुदी और नाराजगी की कोई परवाह नहीं है, ये अलबत्ता फिक्र की चीज है। उस वक्त यूं हो सकता है कि अल्लाह की नाराजगी के नतीजे में ये मामला हुआ हो, लेकिन अगर उसने अपनी तरफ से आमाल में कोई कोताही नहीं की है, किसी गुनाह का इर्तिकाब नहीं किया है, हर वक्त अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाने का एहतमाम करता है, फराइज वाजिबात की अदायगी का एहतमाम करता है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी का एहतमाम करता है, और उसके बाद भी इस तरह की जो है हालात हैं, कैफियतें हैं, तो उसकी वजह से यूं समझना कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो गए हैं, ये दुरुस्त नहीं। हमें शरीयत का अल्लाह ताला की तरफ से एक मेयार बता दिया गया कि तुम अपने हालात को इस मेयार के ऊपर जांच लो, अगर ठीक ठाक है तो अब चाहे तुम्हारी कैफियतों में कैसा ही फर्क आ गया हो, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे मालदारी हो, चाहे उसरत हो, तंगी हो, चाहे तंदुरुस्ती हो या चाहे बीमारी हो, लेकिन अपने आप को आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रखा है और अल्लाह ताला जिस तरह चाहते हैं उसके मुताबिक तुम अमल कर रहे हो, उसमें तुम्हारी तरफ से कोई कोताही कमी नहीं हो रही है, इन कैफियत की वजह से ये परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर हमारी तरफ से कोई कमी या कोताही है या किसी जुर्म का इर्तिकाब है तो ये डरने की चीज है, उस सूरत में जरूर जो है तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना चाहिए और अपनी उस हालत को दुरुस्त कर लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं हुआ, तो हजरत अम्बिया अलैहिस्सलाम, दुनिया अल्लाह ताला ने इस कायनात को के अंदर तीन आलम बनाए हैं। एक आलम तो वो है कि जिसमें लज्जत और खुशी ही खुशी है, राहत ही राहत है, आराम ही आराम है, उसमें जो है गम का, तकलीफ का और जो है तबीयत के खिलाफ किसी चीज का कोई दखल नहीं है, वो तो जन्नत है। अल्लाह ताला ने उसको जो है ईमान और आमाल सालेहा के साथ अगर कोई आदमी दुनिया से रुखसत होता है तो उसके लिए उसका फैसला होता है, ये तो आलम जन्नत है। और दूसरा जो है ये जिसमें तकलीफ ही तकलीफ है, परेशानी ही परेशानी है, कोई जरा बराबर राहत नहीं, वो तो जहन्नम है। और तीसरा ये आलम दुनिया, उसके अंदर दोनों तरह की शक्लें पैदा आती है, कभी राहत होती है, कभी तकलीफ होती है, कभी गम होता है, कभी खुशी होती है, कभी तंदुरुस्ती होती है, कभी बीमारी होती है, कभी मालदारी होती है, कभी तंगदस्ती होती है, ये और इन मुख्तलिफ हालात से कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकता। गम और खुशी आती है, बीमारी और तंदुरुस्ती आती, बड़े से बड़ा बादशाह हो, किसी मुल्क का बड़े से बड़ा फरमा रवा हो, वो यूं समझे कि मेरे ऊपर कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, ये नहीं हो सकता, बीमारी उस पर भी आएगी, उसको भी बीमारी वाले हालात से वास्ता पड़ेगा। बड़े से बड़ा पैगंबर हो, बड़े से बड़ा वली हो, कोई भी हो, सब इस हालात से गुजरते हैं, बल्कि
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اشد الناس بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یہ سب سے زیادہ آزمائش جو ہیں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے، پھر جو جتنا ان کے قریب ہوگا ان کے مشابہ ہوگا اس کی اسی مناسبت سے آزمائش ہوتی ہے، تو گویا یہ تو اور زیادہ آزمائش اس کی وجہ سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں، یہ بہت سے لوگ ایسی چیزوں کی وجہ سے بہت مدت ہو گئی کہ جو ہے کوئی کاروبار نہیں ہے، کاروبار ٹھنڈا ہے، ٹھپ ہو گیا، اب اس کو اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر جوڑتے ہیں کہ اللہ میاں مجھ سے ناراض ہیں، ارے کاروبار کو اس سے کیا تعلق، آپ اس کو کہاں جوڑ رہے ہیں، آپ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا ہوئی، اللہ کے جو فرائض واجبات جو ذمہ داریاں آپ پر لازم کیے وہ آپ پورے پورے ادا کر رہے ہیں، بس آپ مطمئن رہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑا نہیں، ماں ودا کر ابو کا ہو ماں، نہ اللہ تعالیٰ نے نہ چھوڑا ہے نہ اللہ ناراض ہوا ہے، اس لیے کہ ہم تو اللہ کے احکام کو برابر ادا کر رہے ہیں، کوئی کمی کوتاہی ہماری طرف سے ہو تو اس کی تلافی کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر ایک آدمی ہے کہ اللہ کے احکام کو پورے طور پر بجا لا رہا ہے، اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کرتا، تو اب یہ جو دوسرے حالات دنیاوی اعتبار سے آپ پیش آتے ہیں ان حالات کی وجہ سے اس کا یہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات پڑھیے کیسے کیسے ان کے اوپر حالات آئے، ان کے امتوں نے قوموں نے ان کو جو ہے آرے سے چیرا ہے، حضرت زکریہ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ آرے سے چیرا گیا تھا، تو اب یہ کوئی اس کی وجہ سے یوں کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ناراض تھے ان سے، نہیں، یہ کوئی اللہ کی ناراضگی کیا نا، یہ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں آدمیوں کو پیش آتی ہیں، دنیا ہے ہی اسی لیے اللہ نے بنائی، کوئی آدمی بھی اپنے آپ کو ان مختلف حالات سے جو ہے وہ بچا سکتا، کوئی بڑے سے بڑا حکمران ہو، بڑے سے بڑا نبی ہو، بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، وہ بھی ان مختلف حالات سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اس لیے ان حالات کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنا نعوذ باللہ اور یہ سمجھنا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے، اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا، یہ درست نہیں ہے، اسی کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو تمہارے پروردگار نے تم کو چھوڑا ہے نہ اللہ تم سے ناراض ہوا، ان حالات کو اللہ کی ناراضگی سے کوئی تعلق نہیں، ہاں اگر ہم اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اپنی طرف سے اللہ کے احکام کی بجاوری میں، فرائض و واجبات کی بجاوری میں کوتاہی کے مرتکب ہیں، اور اس صورت میں اس طرح کے حالات ہیں تو ڈرنے کی چیز ہے، اس صورت میں اپنے آپ کو درست کیا جانا چاہیے اور توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، آگے وللآخرت خیر لک من الاولى، اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے یہاں دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، ایک تو آخرت کا وہ مفہوم جو ہم اور آپ عام طور پر سمجھتے ہیں، آخرت یعنی وہ جو قیامت کے بعد جو حالات جو پیش آئیں گے دوسرے عالم کے اندر، وہ آخرت، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ بھلے دنیا میں آپ کے اوپر یہ تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، دشمنوں کی طرف سے آپ کے ساتھ تان و تشنیع اور زیادتی پیش آ رہی ہے، لیکن یہ سب دنیا میں ہے، جب آپ دنیا سے رخصت ہو کر کے آخرت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، وللآخرت خیر لک من الاولى، یعنی آخرت یہ پہلے یعنی دنیا سے، اولا سے مراد دنیا ہے، ایک مطلب تو اس کا یہ لیا گیا ہے، اور یہ بھی مفسرین اس کا مطلب لے کر گویا ہر مومن کے حق میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہر مومن کے لیے آخرت میں دنیا کے مقابلے میں کیا ہے، بہتری ہی ہے، قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بلکہ جنت کے متعلق باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عادت تو لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں جنت کے اندر تیار کر کے رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل میں خیال گزرا، یہ قرآن حدیث وغیرہ میں بھی جو جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ ہے
वो ये तो एक झलक है, वरना हकीकी नेमतें तो वही हैं जिनके मुताबिक ये हदीस कहती है कि किसी के दिल में उसका कोई सोच भी नहीं सकता उसको। ये तो खाली एक झलक है जो बताई गई है, वरना वो वहां तो वो नेमतें हैं कि हम और आप उसका तस्वीर भी नहीं कर सकते। बल्कि बारी ताला फरमाते हैं जन्नत की एक हालत ये भी है कि अल्लाह के जो दोस्त हैं न उनके ऊपर खौफ है। खौफ यानी मुस्तकबिल में आने वाले जमाने में कोई अंदेशा लाहिक है, उसकी वजह से तबीयत पर जो कैफियत तारी होती है उसको खौफ से अंदेशे से ताबीर करते हैं। भाई कहीं हुकूमत की तरफ से आपको धमकी दी गई है कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, किसी दुश्मन ने आपको ये किया है, तो मुस्तकबिल के एतबार से जो अंदेशे हैं उनके मुताल्लिक खौफ, भला हूं या जनून और न उनके वो गमगीन होंगे, माजी के हालात की को सोच कर तबीयत पर जो कैफियत तारी होती है उसको गम से ताबीर किया जाता है। तो जो अल्लाह के दोस्त हैं ना उनको न तो खौफ है न गम। वैसे दुनिया देखो यही एक नेमत आखिरत की इतनी बड़ी है कि दुनिया में हम उसका तस्वीर भी नहीं कर सकते। दुनिया में कोई कितना ही राहत से हो, कितना ही ऐश आराम में हो, खाने के लिए बैठा है, शानदार खाना उसके सामने रखा गया है, बहुत उम्दा, लेकिन खाते हुए उसको ये अंदेशा रहेगा कि अगर ज्यादा खा लूंगा तो कहीं बदहजमी ना हो जाए, पेट में दर्द ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, ये है ना। या जो है गम, मसलन अभी माजी करीब में ये कोरोना की वजह से वाली साहब का इंतकाल हो गया, खाते खाते ख्याल आ गया तो इतना उम्दा और शानदार खाना है लजीज, लेकिन उसकी लज्जत क्या हो गई, किरकिरी हो गई, मुकद्दर हो गई। एक गम पिछले जमाने का गम याद आया तो उस पर, लेकिन जन्नत के अंदर जहां जाएंगे न वहां मुस्तबिल के मुतालिक कोई अंदेशा होगा न माजी के मुतालिक कोई गम होगा। वे आप अंदाजा लगाइए कि यही एक नेमत फकत, और तो बेशुमार और लातादाद नेमतें हैं जन्नत के अंदर, लेकिन खाली एक यही एक नेमत इतनी बड़ी है कि दुनिया में रहते हुए हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये अजीब और गरीब अल्लाह ताला की नेमत है। तो बहरहाल वल आखिरत खैरुल्लका मिनल उला, तो उससे आखिरत मुराद ली जाए तो जैसा अभी मैंने कहा एक दूसरा मतलब ये भी है, आखिरत यानी बाद में आने वाली हालत आपके लिए बेहतर है पहले वाली हालत से। वह जिंदगी के मुख्तलिफ दौर हैं, अगला दौर पिछला दौर, तो पिछले दौर के मुताबिक मुकाबले में आने वाला दौर जो है आपके हक में बेहतर होगा। अभी भले आपके दुश्मन आपके मुखालिफ हैं, आपको इजाएं पहुंचाते हैं, लेकिन एक वक्त वो आएगा कि ये दुश्मन भी जो है नाकाम हो जाएंगे, और वो या तो ये है कि आप सिरिंडर होकर आपके दोस्त और आपके ताबे फरमान बन जाएंगे, या वो दुनिया से खत्म हो जाएंगे। गोया हर मामले में बाद वाली हालत पहले वाली हालत के मुकाबले में बेहतर है। गोया हर आन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से तरक्कियात का सिलसिला जारी था और रहा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बिअदद मा तुहिब्बु व तरदा। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तरदा मिनल क़ौलि वल अमली वल फ़िलि वन नियति वल हुदा। اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين। ए अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, तेरी मर्जियात पर हमको ज्यादा से ज्यादा चलाकर तेरी नामर्जियात से हमारी पूरी हिफाजत फरमा। नबी करीम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों और सुन्नतों को अपनी जिंदगी के हर शोबे में जारी करने और अपनाने की तो हमें तौफीक व सआदत अता फरमा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों की मोहब्बत और गैरों के तरीकों की नफरत तो हमारे कुलूब के अंदर डाल दे। अल्लाह तमाम रजाइल से पाक और साफ फरमा कर महासिन अखलाक से मुजयन फरमा। तेरी मारिफत व मोहब्बत के अनवार से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा। तेरी याद से हमारे दिलों को आबाद फरमा। दवा में जिक्र दवा में ताअत की हमें तौफीक अता फरमा। तमाम आमाल में इखलास इत्तिबा और एहतिसाब की कैफियत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। अल्लाह इस कोरोना की बीमारी के अंदर जो लोग मुब्तला हैं अल्लाह उनको सेहत शिफा अता फरमा। जो लोग दुनिया से इस बीमारी के अंदर रुखसत हो गए अल्लाह उन तमाम की भरपूर मगफिरत फरमा। उनको अपनी रहमतों मगफिरतों से ढांप ले। अल्लाह उनकी खबरों को जन्नत के बागीचे बना दे। अल्लाह जो मकरूज हैं उनके कर्जों की अदायगी की शक्लें पैदा फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। हाजतमंदों की हाजतें पूरी फरमा। जो कैदोबंद में महबूस हैं अल्लाह उनको रिहाई नसीब फरमा। जो मुकदमात में माखूज हैं उनको बरी फरमा। जो जिस मुसीबत में गिरफ्तार है अल्लाह उसको उससे नजात अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जहाँ कहीं भी हो अल्लाह उसके ईमान और इस्लाम की जान और माल की इज्जत आबरू की अहलो आयाल की तिजारत और ज़रात और कारोबार की हर चीज की पूरे पूरी हिफाजत फरमा। पूरे आलम में उम्मत मोहम्मदिया जहाँ कहीं मजलूमियत का शिकार है अल्लाह उसकी भरपूर नुसरत फरमा। जालिम के हाथ को जुल्म से रोक दे। अल्लाह तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई तुझसे मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा। और जिन शुरू और बुराइयों से पना चाहिए उनसे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मजलिस में शरीक तेरे तमाम बंदों की जायज और नेक मुरादें पूरी फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। आज तक तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं हुए, अब भी और आइंदा भी महरूम न फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर रहीम।